दोस्तों अगर आप भी चेतेश्वर पुजारा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों घमंड में चूर नाथन लायन ने बर्फ की तरह ठंडे चेतेश्वर पुजारा से उलझने की गलती कर दी। उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा चेतेश्वर पुजारा का असली गुस्सा। नाथन लायन की बदतमीजी का करारा जवाब देते हुए चेतेश्वर पुजारा ने बीच मैदान में जो कुछ भी किया उसे देखकर केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि भारतीय खेमे के भी होश उड़ गए। तो आखिर क्या था पुजारा और लायन के बीच में भयंकर विवाद और क्या कुछ है? कहा चेतेश्वर पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे शानदार बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की 88 रनों की बढ़त का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के ऊपर नाथन लायन कहर बनकर टूट पड़े और उन्होंने एक के बाद एक रोहित शर्मा से लेकर शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा से लेकर शिखर भरत का शिकार कर भारतीय टीम को मुसीबतों के दलदल में धकेल दिया था। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चेतेश्वर पुजारा नाम का खिलाड़ी उनके करियर पर संकट पैदा करने के लिए काफी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चेतेश्वर पुजारा मैदान पर चट्टान की तरह डट गए और एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से चेतेश्वर पुजारा टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने भारतीय टीम को पहले 100 रनों के पार पहुंचाया तो फिर ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को खत्म कर भारतीय टीम को भी एक अच्छी खासी लीड दिलवा दी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उन्हें आउट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे लेकिन उनका प्लान कोई भी काम नहीं कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपकी इसी कामयाबी से बौखलाए नाथन लायन गुस्से से आग बबूला होकर चेतेश्वर पुजारा से बहसबाजी करने लग जाते हैं। उन्होंने गुस्से में पुजारा को कुछ अपशब्द कह दिए। उन्हें लगा कि कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देगा लेकिन वह जानबूझकर चेतेश्वर पुजारा को उकसा रहे थे। लेकिन यह उनकी बेहद बड़ी गलती थी। चेतेश्वर पुजारा ने उनकी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, यहां तक कि पुजारा उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने पहुंचे। उन्होंने हाथों से लायन को चुपचाप गेंदबाजी करने का इशारा भी कर दिया। दोस्तों चेतेश्वर पुजारा का ऐसा गुस्से वाला रूप इतिहास के लोगों ने पहली बार देखा था। ऐसा लग रहा था कि आज बीच मैदान में ही भयंकर विवाद होने वाला है। हालांकि पुजारा ने वहां पर समझदारी दिखाते हुए गेंदबाज से ज्यादा विवाद नहीं किया लेकिन उसके बाद नाथन लायन की जमकर पिटाई करते हुए चेतेश्वर पुजारा ने पहले उन्हें ताबड़तोड़ चौके लगाए तो फिर उन्हीं की गेंदबाजी पर 108 गेंदों में तूफानी अर्धशतक ठोक कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया। चेतेश्वर पुजारा ने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए। यहां तक कि नाथन लायन को भी बहुत जल्द समझ में आ गया कि पुजारा से उलझना कितनी बड़ी गलती थी। वह तो खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए थे लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम 7 ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करेगी कि नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।